नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आम के एक हानिकारक कीट गॉल मिर्च के बारे में बात करेंगे। इनके लार्वा बौर के डंठल, पत्तियों, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रभाव से फूल एवं फल नहीं लगते, फलों पर प्रभाव होने से फल गिर जाते हैं। इनके लार्वा सफेद रंग के होते हैं, जो पूर्ण विकसित होने पर भूमि में प्यूपा या कोसा में बदल जाते हैं। पेड़ों की सहनशील या प्रतिरोधी किस्में लगाएं। नियमित रूप से कीट संक्रमण के संकेतों के लिए खेतों की निगरानी करें। कीट को हाथ से चुनकर हटाएं, विशेषकर यदि आबादी घनी नहीं है। खेत को कूड़ा करकट और टूटी शाखाओं से मुक्त बनाए रखना सुनिश्चित करें। खेत और उसके आसपास से लगातार खरपतवार हटाएं। मौसम के दौरान संक्रमित शाखाओं की छटाई करें। कीट आबादी स्तर कम करने के लिए अपने आम के बाग के साथ एक अन्य फसल अंतर फसल लगाएं। मक्खियों को पकड़ने के लिए पीले चिपचिपे जाल येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करें। पेड़ की छतरी पर नीम की गुठलियों का अर्क डालें। इनके रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। रासायनिक दवा 0.05% फॉस्फोमिडान का छिड़काव बौर घटने की स्थिति में करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।